है आपका, मैं आरती और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हम अक्सर किया करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त। आई होप आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये गलतियां करते हुए जरूर पाएंगे और अपने आप को इन गलतियों के साथ रिलेट कर सकेंगे। पर अब जब आप जान चुके हैं इन गलतियों के बारे में, प्लीज डोंट रिपीट इट। ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए हम चलते हैं उन गलतियों की तरफ। सबसे पहली गलती मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अक्सर अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी वर्ड टू वर्ड, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और अक्सर आप अपने आप को पाते होंगे कि आपने भूल करी है। कभी किसी वक्त चल जाता है पर हमेशा नहीं चल सकता। इस आदत को अभी रोक दें और इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश सोचना जरूरी है। ट्रांसलेट करना छोड़िए और सोचना शुरू करिए इंग्लिश में। दूसरी भूल हम ये कर जाते हैं कि हम सुनने को इम्पोर्टेंस नहीं देते। पर अगर आपने नोटिस किया है, एक छोटा सा बच्चा जिसे कोई भी नहीं सिखाता है कि उसकी लैंग्वेज उसे किस तरह से बोलनी है, पर वो खुद ब खुद सीख जाता है, कैसे? सुनते हुए। वो अपने फैमिली मेंबर्स को सुनता है और अपने आप ही लैंग्वेज सीख जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने आप ही सीख जाएंगे, आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि एक बच्चा एक क्लियर स्लेट के साथ इस दुनिया में आता है, वहीं हमारे दिमाग में ऑलरेडी हजारों बातें चल रही होती हैं, तो हमें लिसनिंग और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ेगी। पर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसे सुनना बहुत जरूरी है। अगली भूल मैं ये कहूंगी कि हम तुरंत ही किसी भी चीज में परफेक्शनिस्ट बन जाने की कोशिश करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी चीज में परफेक्ट बनने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पहले ही हफ्ते से या पहले ही महीने से आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। अगली जो बड़ी भूल है हम अक्सर किया करते हैं वो है शर्म। जी हाँ, शर्म एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको आपके तरक्की के रास्ते पर जाने से रोकेगी। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो शर्माना बंद करना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना बंद करना होगा और तभी आप कुछ सीख पाएंगे, कहीं पहुंच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। अगली भूल जो हम अक्सर कर बैठते हैं वो है पूरा ध्यान ग्रामर की तरफ दे देना। मैं ये नहीं कहूंगी कि ग्रामर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर सिर्फ ग्रामर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके शब्दों को, उसकी एक्सप्रेशंस को सीखना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आपका एक्सेंट, शब्द और एक्सप्रेशन सही जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ वहां ग्रामर की भूल चल जाती है। अगली जो सबसे भयंकर भूल है मैं कहूंगी, और वो है हार मान जाना, गिव अप कर देना किसी भी चीज पर। अगर आपने ठान ली है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है या कोई और भी चीज जो आपको करनी ही है, तो आपको थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप हफ्ते दो हफ्ते या एक दो महीने में ही हार मान जाते हैं तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो आपका एटीट्यूड चेंज करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए बस यही खत्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए मदद रूप होगी, और अगर ऐसा है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। और मैं अपनी अगले वीडियो में इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगी। बट पहले आई वुड लाइक टू सी कि आप इस वीडियो को कितना सराहते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद।